अबे यार सीट बेल्ट लगा रखी, गले मिल रहे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पहले पीयूष और कुनाली को उठाते हैं। तो पीयूष और कुनाली तो मस्त अपना यहाँ पे सो रहे हैं, यहीं पे चारपाई लगा के, क्योंकि पता है स्पेस तो है नहीं यहाँ। ये अंगूठा क्यों चूसते हैं, अंगूठा क्यों चूसते हो आप? उठाओ इसको, उठाओ उठाओ, और इसको उठाओ, इसको उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ गुड गुड, ये सही है भाई। ओरियो उठा देता है भाई, ओरियो आ जाता है सबको उठाने सुबह सुबह मस्त। सबसे पहले ओरियो उठाते बड़े पापा को, उसके बाद फिर मम्मी को, उसके बाद फिर साहिल को, हम सबको सबको। दादागिरी नहीं सहेंगे, नहीं उड़ेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उड़ेंगे, नहीं उठेंगे। पता नहीं इतनी नींद क्यों आती है इनको, मैं तो लेट होता हूँ फिर भी जल्दी उठ जाता हूँ। देखो मेरे को एक्साइटमेंट होती है जल्दी उठने की, काम करने की, ब्लॉग बनाने की। इनको पता नहीं क्या है, सोए रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ठीक है अभी ये वाली लाइफ सही है इनकी, कोई टेंशन नहीं है, मस्त सोए रहते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद फिर इनको भी टेंशन रहेगी, इनको भी काम करने की, तो ये भी नहीं सो पाएंगे। कोई नहीं अभी टाइम है, सो लो भाई। स्कूल टाइम बेस्ट है भाई, स्कूल टाइम। और इसको तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तीन भाई हो गए, वो सर लगा फोन मिल गया। उठो, नहीं उठोगे, नहीं उठोगे, नहीं उठोगे। मम्मी हम दोनों नहा लिया, अब नहाने की जरूरत ही नहीं। तू कैसे नहा लिया? पहले नहा लो, वहाँ पानी है ना बाल्टी में भर रखा है, इसे ये नहाया थोड़ी होता है, ये नहाया नहीं होता है, ये तो खाली पानी डाल रखा है। फिलहाल नहा के रेडी हो गया हूँ, और यहाँ पे परांठे भी रेडी हो गए मस्त। देखो तो परांठा हम खाएंगे मलाई के साथ। तभी गाइस खाना पीना हो चुका है, फिलहाल मैं स्टूडियो में आया हूँ, तो अब चलते हैं स्टूडियो के पर्दे लेने के लिए। तो यहाँ पर्दे लगेंगे ना, ताकि ये जो विंडो है ये छुप जाए। ये अजीब सा लग रहा है ना, देखो ये पूरा वाइट हो जाएगा। मैं सोचता हूँ व्हाइट पर्दे या फिर कोई डार्क ग्रे पर्दे। तो जो ये वाला एरिया ना, ये पूरा पर्दों से कवर हो जाएगा। अभी तो यहाँ भसड़ मच गया, अजीब सा लग रहा है। अभी तो यहाँ फैन, सिलेंडर वेंडर, झाड़ू वाड़ू पड़ा हुआ है, तो ये सब हट जाएगा, यहाँ पर्दा आ जाएगा, यहाँ पूरा पर्दा आ जाएगा। तो ये पापा जी मेजर कर रहे हैं, तो पापा जी ने मेजर कर लिया कितना बड़ा पर्दा चाहिए, कितना एरिया चाहिए, कितने पर्दे चाहिए। तो चलो चलते हैं पापा जी को लेके। तो भाई साहब अब की बार जो गर्मी हो रही है ना हल्द्वानी में भी, जबकि हम पहाड़ों के पास में, तो यहाँ भी खतरनाक गर्मी हो रही है। अब तो बस गाँव ही जाना पड़ेगा हमको। मैं तो बस बारिश होने का वेट कर रहा हूँ, बारिश स्टार्ट हो जाए फिर गाँव निकल लूंगा। चाचा जी और चाची जी तो गए, अम्मा आबू वही है। तो अभी आए हैं पहली दुकान में पर्दे देखने के लिए, देखते हैं पसंद आते हैं नहीं आते। बिल्कुल प्लेन पर्दे दिखा दो, व्हाइट प्लेन तो आजकल ही आ रहा है, डॉटेड आते हैं। नहीं ये नहीं। अच्छा ये सारे कलर से? ये सारे कलर से, कपड़े की क्वालिटी वो है। व्हाइट ठीक है, तो ये व्हाइट कटन चाहिए होंगे ना आपको। तो अभी हम आए थे यहाँ पर्दे लेने के लिए, तो मेरे को व्हाइट चाहिए था, ये तो सारे कलर में अजीब से लगेंगे ना। तो ये कह रहे हैं कि बनवाने पड़ेंगे, दो दिन लगेंगे। तो चलो देखते हैं कहीं और भी देख लेते हैं, अदरवाइज फिर इनको ऑर्डर कर देंगे हम। तो चलो अब चलते हैं कहीं और, चलो कहीं और देखते हैं। तो अब हम आए हैं शोरूम पे, थोड़ा अच्छी क्वालिटी के पर्दे देखते हैं कैसे लगते हैं। तो भी गाइस यहाँ पे पर्दे देख लिए, और इतने महंगे हैं ना यहाँ पे, यहाँ के दो पर्दे वहाँ के आठ पर्दे के बराबर। तो वहीं से बनवा लेंगे भाई, दो दिन में मिल जाएगी कोई बात नहीं। सिर्फ एक बार उसे वीडियो कॉल कर, हाँ कर लो कर लो। एक मिनट में बाहर आता हूँ, बाहर आता हूँ। हाय कैसे हो, हाय कैसे हो भाई। वो अंकल रोने लग गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे यार, इतना प्यार यार, मतलब तभी मैं उतर गया, मैं उतर जाता हूँ यार। उन्होंने अपनी वाइफ से वीडियो कॉल कराई। तो पर्दे हमने फाइनल करे हैं, पहली दुकान वाले सही है यार, सस्ते ज्यादा महंगे क्या करना है, हमको मुंह थोड़ा पोंछना है। व्हाइट पर्दे हैं, चाहे मैं कितने महंगे ले लूं सेम ही लगेंगे, इसलिए सही है सस्ते वाले लेते हैं। New shoes on a Friday morning. New look shit. पहुंच गए घर, आज पापा जी और मैंने सेम टी शर्ट डाली देखो। तो अभी घर पहुंच गया, पर्दों का काम हो चुका है, पर्दे मिल जाएंगे, दो दिन में ऑर्डर कर दिया हमने। अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ टाटा के शोरूम में, गेमर फुलिया का फोन आया था कि उनको अपनी गाड़ी देनी है टाटा शोरूम में उनको सर्विस के लिए, तो वो मेरी गाड़ी में आ जाएंगे, उनको घर छोड़ना है बस। तो चलो चलते हैं टाटा के शोरूम। यार गुस्सा आ रहा है, अभी मैंने देखा एक बंदे ने गाड़ी से कुरकुरे का पैकेट फेंका मेन रोड पे। हल्द्वानी इतना अच्छा थी, रोड कितनी अच्छी हल्द्वानी की, यहाँ पे कहीं पे कूड़ा नहीं दिखेगा आपको भाई। बाहर के लोग आते ना, दिल्ली की गाड़ी थी वो भी, और वापिस जाने का रास्ता वापिस जा रहे हैं कूड़ा फेंकते हुए, ऐसे तो मत करो यार प्लीज। टाटा तो पहुंच गया, टाटा वाले कह रहे हैं सिर्फ टाटा वाली गाड़ी जाएगी अंदर, महिंद्रा की नहीं जाएगी। तो भाई की आज सेकंड सर्विस है, इन्होंने एज ए ड्राइवर मुझे बुला लिया भाई, कितने गंदे आदमी। इनको घर तक, इनको घर तक छोड़ के आना है, इन्होंने कहा ड्राइवर की जरूरत है। मैं कहा ड्राइवर की जरूरत है, मैं खुद आऊंगा। मैंने इनसे प्यार से बोला, इनसे मेरा कोई दोस्त नहीं है भाई, प्लीज आओगे क्या? इन्होंने बोला मैं आपको कोई दोस्त नहीं है, यही मैंने बोला इन्हें कोई दोस्त, देखो दोस्त नहीं है। आप कह रहे दोस्त भाई हो ना भाई, क्या कह रहे कब मिलेगी गाड़ी? कल कल ले जाऊंगा। तो फाइनली गेमर फिट भैया हमारी थार में बैठ चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बिकॉज बहुत भूख लग रही है। लंच नहीं करा सुबह, वही हाँ। परांठा खाया था हमने, पहाड़ पे चलते हैं। चलो पहाड़ चलते हैं। गाइस गेमर फिट भैया क्यों हंस रहे हैं?
कुछ बात है जो कि मैं नहीं बता सकता। क्या बात है, कोई बात, मैंने बता दिया तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कोई बात ही नहीं है भाई, मैं तो खुश आदमी हूँ, मैं बस बता दूं, ऐसा भी नहीं है, बता दूं ऐसा भी नहीं है। Pocket full of change ups, I switch hit, I'm a strange fuck, consist on ain't so. तो आज हमारे साथ में ना पीयूष है, ना कुनाली, ना साहिल, बिकॉज कुछ पर्सनल बात चल रही है हमारी जो कि पीयूष के सामने भी नहीं कर सकते हम। हर किसी के सामने अलग अलग चीजें होती हैं, भाइयों के सामने हर चीजें नहीं हो सकती जो दोस्तों के सामने हो सकती हैं, और यूट्यूबर के सामने वो चीजें नहीं हो सकती जो भाइयों के सामने हो सकती हैं। हर चीज, हर किसी के सामने अलग चीजें होती हैं, जैसे जैसे सौरभ भाई साहिल भाई को मार रहे हो और मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूं। हाँ कह रहे हो क्या? अबे यार गाइस ये नहीं, ये कट कर देना गाइस, तो मैं ही करूंगा यार वो। जी यार then I could say well do my change into the wishing for a change well. तो अभी हमने लिए हैं पकोड़े, इनके हाथ में चटनी, अरे रुको रुको, इनके हाथ में चटनी, मेरे हाथ में पकोड़े, भाई मस्त खाएंगे यार। अरे ये तो खोला, मेरे एक हाथ में फोन है, ये भी आप, मैं कैसे खोलूं, आप भी नहीं खोल पा रहे, रुको अबे यहाँ मत रखो यार, रुको मैं खोलता हूँ। आपने खाए कभी यहाँ के पकोड़े? अच्छा मैंने भी दो बार खाए, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी। तो गाइस पकोड़े खा लिए मस्त, अब चलते हैं सीधा घर, इनको ड्रॉप करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने घर। चलो लेकिन मजा आ रहा है पहाड़ पे ड्राइव करने में ना, और मस्त बातें चल रही है हमारी, जो जो हम बातें कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने लायक तो नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है ना, लेकिन हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो रिकॉर्ड करने लायक ही नहीं है। वही है ना, दो दोस्त आपस में क्या बात करेंगे। Wish a day is swell life for the next come and when the next come pretend that it's the best. I am big fan. Thank you. क्या यार ये ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, पहाड़ पे भी ट्रैफिक, कार्य प्रगति पर है भाई, ये क्या कर दिया भाई, यार चटनी गिर गई यार भाई, पूरे कपड़े खराब भाई, ओ भाई भाई नीचे गिरा दिया भाई, सारी चटनी, अरे साफ कर दो, सारा रायता, पूरा रायता फैला दिया। अबे खा रहे हो क्या? अबे यार खा नहीं रहा हूँ यार, चाट रहे हैं गाइस, फोन पे भी चटनी चटनी, कपड़े गंदे कर दिए आपने, मेरी गाड़ी गंदी कर दी आपने, ये आपसे उम्मीद नहीं थी यार, इतने बड़े होने के बाद भी ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अरे यार भाई वो चटनी है यार, भाई साहब फोन के हाल देखो क्या हो गए, भाई फोन के हाल देखो क्या हो गए भाई, बार बार मत दिखाओ ना तेरे को यार। गाइस ये पता है क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हम कहीं फेंकते नहीं चीजें, जो ये चटनी है मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों हुआ है, ये चटनी के जो कटोरी है ना, हम जाते तो फेंक देते ऐसे ही कहीं, डस्टबिन नहीं था ना, डस्टबिन नहीं था तो हम साथ में हाथ में लेके चल रहे थे, इसमें थोड़ी चटनी भी थी, अदरवाइज खा के हम फेंक सकते थे, हमने नहीं फेंका और ये हुआ देखो, लेकिन हम फिर भी नहीं फेंके, हमने फिर भी नहीं फेंका देखो, हम फिर भी इसको डस्टबिन में ही डालेंगे, चाहे हमारे कपड़े गंदे हो जाए, गाड़ी गंदे हो जाए, फिर भी चटनी में ही डालेंगे हम इसको, चटनी में डालेंगे, ओ सॉरी यार उसमें डस्टबिन में डालेंगे, रायता फैल गया, हाँ रायता, वन फोटो, हाँ थैंक यू, उसकी तबीयत कैसी है? पीयूष ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू, अच्छा आप भी देखते हो, थैंक यू, ओके थैंक यू, फैन फॉलोइंग देख के तो थार को ही रुक गए भाई। चलो भाई साफ कर दी मैंने गाड़ी आपके, एकदम देखो चमक गई है, ठीक है गाइस, जब भी हम मिलते हैं ना इतनी मस्ती करते हैं भाई, ज्यादा ही मस्ती करते, अब कुछ पीने का मन कर रहा है तो डन, चल आई एम इवन गोना ट्राई टू से दैट टू द नेक्स्ट वन। तो गाड़ी यहां पार्क कर दी है, अब चलते हैं अंदर, ये जगह देखो कितनी मस्त लग रही है, यहाँ बैम्बूज बैम्बूज भी हैं, जंगल के अंदर देखो भाई, जंगल के अंदर जाके इतनी मस्त जगह है ना यहाँ भाई, ये देखो मंडप है, यहीं बैठे आज खाने के लिए भाई, शादी शादी हो जाएगी भाई। तो अभी हम आए थे ऊपर, अब हम जा रहे हैं नीचे, तो अभी हमारा मोजिटो तो आ गया, तो अभी गाइस मस्त मोजिटो पी लिया हमने, अब चलते सीधा नहीं, अभी हमारी एंगेजमेंट वाली वीडियो बन रही है, ये देखो यहाँ पे हमारी वीडियो बनाई जा रही है, हमारी वीडियो बनाई जा रही है यहाँ पे, तो ये देखो अभी कितनी मस्त वीडियो बनी है भाई, कितनी मस्त लग रही है देखो, इन भैया ने बनाई है, थैंक यू गाइस। अब मेरा घर जाने का अकेले मन नहीं कर रहा, अब इनको छोड़ घर घर मुझे अकेले जाना पड़ेगा छोड़ के, तो भाई अगर मैं आपको छोड़ लाऊंगा फिर आपको मेरे को वापस छोड़ने नहीं आना पड़ेगा, अब क्या करें, मुझे अकेले जाना पड़ेगा, और मेरा मेरा घर इनके घर से आधा घंटा दूर है, दूर था, दूर था, आधा घंटा लगता है इनके घर से मेरे घर पे जाने पड़े, तो आधा घंटा मुझे अकेले ड्राइव, अकेले ड्राइव करना पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई, मैं आंटी जी से बोलूंगा जल्दी शादी करा दो आपकी, थोड़ा फिर अकेले नहीं रहना पड़ेगा ना आपको, नहीं भाई ठीक है मिलते हैं फिर, यार सीट बेल्ट लगा रखी, गले मिल रहे, सीट बेल्ट लगा रखी, गले मिल रहे, वाह ना इधर से बड़ा जा रहा है ना उधर से बड़ा जा रहा है, चलो भाई बाय बाय, ओके वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, ये ले जाओ अपने केबल, अरे हाँ यार ये भूल जाता, ठीक है बाय बाय बाय। तो गाइस मस्त घर पहुंच चुके हैं,
और आज मम्मी जी का है व्रत, मम्मी जी टीका लगा रही है पूर्णिमा का व्रत। तो फिलहाल डिनर करते हैं, चटाई बिछा दी है, तो खाने में है दाल रोटी आलू और दलिया, चलो खाते हैं। तो डिनर हो चुका है, फिलहाल मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ, स्लो करता हूँ एंड। आज बहुत मजा आया गेम फिडिया के साथ में, शूट तो थोड़ा बहुत ही करते हैं लेकिन मस्ती फुल करते हैं, तो हाँ बहुत अच्छे से लग रहा है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो फाइनली गेमर फ्लिट भैया मेरी थार में बैठ चुके हैं ये कौन सी भाषा बोल रहे हो भैया? यार क्या बोल रहे हैं ने, बैठ चुके हैं। हां I really need this still, seems like that ain't something I can instill, ebb and flow, I can hold on to you very much longer, yeah. Might have to slip away, can't you sit still for a little bit?